तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो है इस डायनासोर को ले लिया है। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आर्मी टैंक भी ले लिया है। और भाई आप लोग देख सकते हो, इंडिवर का आर्मी में आराम से चला पा रहा हूँ। एंड गाइस आर्मी टैंक तो मैंने बहुत टाइम पहले ले लिया था, क्योंकि इसका जो मुझे चीट कोड पता चल चुका था काफी टाइम पहले। तो गाइस आज की वीडियो में क्या वाला, आज की वीडियो में आप लोग ये बताऊंगा आप लोग आर्मी टैंक को कैसे ले सकते हो, डायनासोर को कैसे ले सकते हो और इंडिवर कार को कैसे ले सकते हो। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने न्यू बिल्डिंग भी ऐड कर दी है, इसका चीट कोड क्या है आज की वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। और भाई इस वीडियो में आप लोगों को फ्लाइंग बाइक का भी चीट कोड बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जो है बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हो। तो गाइस जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग जेसीबी क्रेन को कैसे ले सकते हो, और आप लोग बुलडोजर वगैरह को और फ्लाइंग बाइक को कैसे ले सकते हो। लेकिन पहले जो मैं आप लोगों की धमाकेदार ट्रिक बता देता हूँ। धमाकेदार ट्रिक क्या है, आप लोगों को स्पॉन कराना है फायर ट्रक। फायर ट्रक स्पॉन कराने के बाद आप लोग क्या करना है गाइस, एक हॉर्स को स्पॉन कराना है। अब आप लोग क्या करना है गाइस, अब आप लोगों को मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड करना है, जो चीट कोड है गाइस 7112। और यहाँ पर देख सकते हो मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, इस हॉर्स के ऊपर बैठना है, आप लोग ना इस फायर ट्रक के ऊपर चढ़ सकते हो। कैसे, आप लोगों को जंप वाले बटन पर टैप करना है। एंड देख सकते हो गाइस जो अपना हॉर्स है वो यहाँ पर चढ़ चुका है आई ट्रक के ऊपर। एंड गाइस देख सकते हो ये ट्रिक है, अगर आप लोग फाइटर के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके से चढ़ सकते हो हॉर्स की मदद से। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इससे भी बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक बाइक पर बैठ जाना है, और जैसे ये करेक्टर हेलमेट पहने तो तुरंत आप लोगों को इस बाइक से उतर जाना है। एंड उतरने के बाद अब क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। वेट किस चीज का, जैसे ये करेक्टर अपना हेलमेट नीचे उतारता है, तो देख सकते हो इसने जो हेलमेट नीचे उतार दिया। अब आप लोग क्या करना है, स्टिकी बॉम्ब को लेना है। एंड ये स्टिकी बॉम्ब आप लोगों को इस हेलमेट के ऊपर फेंक देना है। एंड ऐसे ऐसे आप लोग काफी सारे स्टिकी बॉम्ब फेंक देने अपनी इस हेलमेट के ऊपर। ऑल राइट, तो अब क्या करना है आप लोगों को, इन स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देना है। और देखो यहाँ पर बन जाएगा रॉकेट। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर जो अपना हेलमेट है वो बन चुका है रॉकेट। एंड क्या धमाका हुआ यहाँ पर, आप लोगों ने जैसे देख ही लिया होगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइज अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट पाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है गाइज, ये इमोजी आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। जो भाई ये इमोजी कमेंट करके बताएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। ये गाइज मैंने यहाँ पर नाइट मोड भी एक्टिवेट कर लिया है, और यहाँ पर जैसे ही मैं गन चलाता हूँ, और आप लोग क्या करना गाइज, गन चलाते चलाते अपनी बाइक पर बैठ जाना है। और बाइक पर बैठने के बाद आप लोग जैसे इस बाइक से उतरते हो, फिर आप लोग क्या करना है, दोबारा वेपन्स वाले ऑप्शन में जाना है और उसी गन को चूज कर लेना है। एंड गाइज देख सकते हो यहाँ पर ये जो गन है अपनी, ये बन चुकी है टॉर्च। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर हॉर्स के साथ ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइज मैं यहाँ पर हॉर्स पर बैठता हूँ, एंड फिर देखना है यहाँ पर क्या होगा। तो ये मैं वेपन्स वाले ऑप्शन पर दोबारा गया और ये मैंने गन ले लिया। एंड गाइज अब आप लोग देख सकते हो क्या लाइट चल रही है यहाँ पर। एंड देखो अभी हॉर्स को मैं आप लोग यहाँ पर फ्लाई करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये बन चुका है अपना फ्लाइंग हॉर्स। एंड गाइज अब आप लोग देख सकते हो जो लाइट है कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ये अपनी टॉर्च का काम कर रही है। तो भाई कैसी लगी ये लाइट आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और भाई आप लोग देख सकते हो जो हॉर्स है वो अपना कैसे फ्लाई हो रहा है। तो चलो गाइज अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में क्या होने वाला है, इस ट्रिक में हम बनाने वाले हैं अपनी नॉर्मल बाइक को फ्लाइंग बाइक। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने बना दी है फ्लाइंग बाइक, और देख सकते हो जो अपनी बाइक है फ्लाई हो रही है। तो अगर आप लोग भी कोई नॉर्मल बाइक को फ्लाइंग बाइक बनाना चाहते हो तो आप लोग करना क्या है, अब मैं आप लोग बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को गेम को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है, फिर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को कंट्रोल्स में जाना है। कंट्रोल्स में जाने के बाद टच आएगी और जॉयस्टिक आएगी और स्टेयरिंग आएगा। तो आप लोग क्या करना है गाइस, यहाँ पर जॉयस्टिक को चूज कर लेना है। जॉयस्टिक को चूज करने के बाद फिर आप लोगों को गेम को स्टार्ट करना है। अब क्या करना है गाइस, आप लोग यहाँ पर एक चीट कोड डायल करना होगा जो होगा 7112। उसके बाद आप लोग को बाइक पर बैठ जाना है। एंड अब आप लोग इस बाइक को जैसे ही चलाओगे तो यहाँ पर आप लोग जॉयस्टिक देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बाइक है अपनी वो फ्लाई होने लगेगी। अभी मैं आप लोग यहाँ पर दोबारा से ट्राई करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो है बिल्डिंग से टकरा गई है। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बाइक है वो यहाँ पर फ्लाई हो रही है, मतलब ये नॉर्मल बाइक हमारी बन चुकी है फ्लाइंग बाइक। तो आप लोग जो है अपनी नॉर्मल बाइक को इस तरह से फ्लाइंग बाइक बना सकते हो। एनी ट्रिक आप लोग कार के साथ या फिर हॉर्स के साथ भी कर सकते हो। तो अभी जो है गाइज मैं आप लोग ये ट्रिक कार के साथ करके दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ये पुलिस कार ले लिया। अब आप लोग क्या करना है, इस कार को जैसे ही आप लोग चलाते हो गाइज, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपनी कार है वो भी यहाँ पर फ्लाई हो रही है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि खतरनाक तरीके से यहाँ पर अपनी कार जो है वो फ्लाई हो रही है। एंड गाइज अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब और भी ऊंचाई पर जा रही है अपनी कार। तो आप लोग जो है इस तरीके से अपनी कार को भी फ्लाई कर सकते हो, और ये आप लोग ट्रक के साथ भी कर सकते हो। तो भाई अब मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग जो है डायनासोर को कैसे चला सकते हो, और न्यू हाउस को कैसे ले सकते हो, और भाई
इंडियावेयर कार को कैसे ले सकते हो और आर्मी टैंक को कैसे ले सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आर्मी टैंक वो अपने गेम में ऐड हो चुका है एंड इसका जो चीट कोड है वो भी आ चुका है। लेकिन पहले जो मैं आप लोग यहाँ पर और भी अपडेट देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इस आर्मी टैंक का चीट कोड बताऊंगा। तो गाइस जो अपना सेकंड नंबर पर अपडेट होने वाला है वो होने वाला है इंडियावेयर कार का। गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इंडियावेयर कार का भी चीट कोड आ चुका है और मैं इंडियावेयर कार को भी चला रहा हूँ और भाई इसका भी चीट कोड मैं अभी बताऊंगा। पहले जो मैं आप लोगों को एक और अपडेट देता हूँ गाइस, वो जो अपडेट होने वाला है वो अपना न्यू हाउस का होने वाला है, न्यू बिल्डिंग का। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अपना न्यू हाउस जो है इस गेम के डेवलपर ने इसमें ऐड कर दिया है एंड न्यू बिल्डिंग ऐड कर दिए। कहाँ पर ऐड करिए अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले जो है मैं आप लोगों को एक और अपडेट दे देता हूँ क्योंकि अपडेट जो है बहुत सारे आ चुके हैं। ये जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है इसमें जो है आप लोग अपने इस डायनासोर को भी चला सकते हो। जी हाँ गाइस, अभी क्या होता था, अभी तो आप लोगों को ये डायनासोर सिर्फ जुरासिक पार्क में देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है आप लोग इस डायनासोर को स्पॉन भी करा सकते हो चीट कोड से, और स्पॉन कराने के बाद आप लोग जो है इसको हॉर्स की तरह चला भी सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस डायनासोर को आराम से चला रहा हूँ। तो भाई अब जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है गाइस अपना, वो होने वाला है जेसीबी क्रेन का। क्या जेसीबी क्रेन भी हमें इसके न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है या फिर बुलडोजर भी हमें इसके न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाला है? लेकिन पहले जो मैं आप लोगों को आर्मी टैंक वगैरह के इन सभी के चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस जो आर्मी टैंक है वो आप लोगों को इसके न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाला है एंड उसका चीट कोड आ चुका है, लेकिन जो चीट कोड है वो अभी हमें नहीं बताया और ना ही उन्होंने अभी इसका चीट कोड बताया है। चीट कोड बता के भी करेंगे क्या, क्योंकि अभी जो है इसका अपडेट नहीं आया तो चीट कोड जो है वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे इस गेम का अपडेट आता है तो तुरंत मैं आप लोगों को चीट कोड बता दूंगा। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अब बात करते हैं हम इंडियावेयर कार के बारे में। गाइस जो इंडियावेयर कार है वो इसमें तो ऐड हो चुके हैं, उसका चीट कोड भी ऐड हो चुका है, लेकिन उसका भी चीट कोड अभी हमें नहीं बताया है और अभी वर्क भी नहीं करेगा चीट कोड। जो हाउस है वो कहां पर ऐड किया है इस गेम के डेवलपर ने? गाइस आप लोग जहां पर स्टंट करते हो ना, जहां पर आप लोग बहुत सारे स्टंट करने के रैंप्स मिल जाते हैं, वहां पर जो है स्टंट वाले सिटी के पास ही न्यू हाउस ऐड किया गया है और न्यू बिल्डिंग ऐड की गई है, क्योंकि वहां पर जो है ऑलरेडी काफी सारी बिल्डिंग्स थी, तो वहीं पर आप लोगों के लिए इसमें न्यू हाउस ऐड किया है इस गेम के डेवलपर ने और न्यू बिल्डिंग भी ऐड की है। जेसीबी क्रेन के बारे में, क्या हमें जेसीबी क्रेन भी देखने को मिलने वाली है क्या और फ्लाइंग बाइक भी देखने को मिलने वाली है क्या? गाइस जेसीबी क्रेन जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि अभी इस गेम के डेवलपर ने अनाउंसमेंट नहीं किया जेसीबी क्रेन के अगेंस्ट। और अब बात करते हैं कौन सी कार हमें देखने को मिलने वाली। गाइस कार तो इसमें इंडियावेयर ऐड कर दी गई है और बाकी एक सुपर कार भी वो इसमें ऐड करने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट कार का जो नेम होने वाला है वो होने वाला है सुपर कार एंड गाइस जो सेकंड का होने वाला है वो होने वाला है BMW। तो इन दोनों में से जो है आप लोग कोई भी कार देखने को मिल सकती है इसके न्यू अपडेट में। तो आप लोग इन दोनों में से कौन से को ऐड करवाना चाहते हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, या तो सुपरा के कमेंट कर सकते हो या फिर BMW के कर सकते हो। जिस भी कार के ज़्यादा डिमांड होगी इन दोनों में से, वही कार आप लोग इसकी न्यू अपडेट में ऐड कर दी जाएगी। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपनी फेवरेट कार के, या तो सुपरा के कर दीजिए या फिर BMW के कर दीजिए। तो अब बात करते हैं गाइस बुलडोजर का चीट कोड क्या है और जेसीबी क्रेन का चीट कोड क्या है। गाइस बुलडोजर भी आप लोगों को इसकी न्यू अपडेट में नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस गेम के डेवलपर ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। और बात करते हैं ट्रैक्टर की, क्योंकि आप लोग जो है ट्रैक्टर के कमेंट कर रहे थे। गाइस ट्रैक्टर जो है वो भी नहीं ऐड किया जा रहा है इसके न्यू अपडेट में। बाकी क्या क्या ऐड किया जा रहा है वो मैंने आप लोगों को इसमें सब कुछ बता दिया है, और क्या क्या अपडेट्स आए हैं अभी तक वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीट कोड की, क्योंकि आप सभी को पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोगों को चीट कोड तो 100% बताता हूँ। तो गाइस जो फर्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 3333। गाइस इससे क्या होगा, इससे स्पॉन होगी अपनी लैम्बोर्गिनी। आप लोग देख सकते हो जो लैम्बोर्गिनी है वो स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 9090, इससे थार स्पॉन होगी। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो 700 होने वाला है, इससे अपनी अगेन लैम्बोर्गिनी स्पॉन होगी। और गाइस जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है वो 800 होने वाला है, 800 से क्या होगा, उससे अपनी बुगाटी स्पॉन होगी। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो 8000 होने वाला है, 8000 से क्या होगा, उससे हेलीकॉप्टर स्पॉन होगा। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो 555 होने वाला है, उससे क्या होगा गाइस, उससे अपना एरोप्लेन भी स्पॉन हो जाएगा। देख सकते हो ये एरोप्लेन जो है आप लोगों को एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग जो है इसको स्पॉन भी करा सकते हो 555 चीट कोड से। और भाई आप लोगों को मैंने कुछ चीट कोड बता दिया और ये भी बता दिया क्या क्या इसके न्यू अपडेट में आने वाला है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।